हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सत्य लाइफस्टाइल। और ये सत्य आप लोग का स्वागत करती है मेरे चैनल में। आई होप मैं आप लोग का एंटरटेनमेंट कर लेती हूँ, यार कर ही लेती होगी। मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके एंटरटेन कर सकूँ, क्योंकि मैं तो एंटरटेन होती हूँ वीडियो बना के। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो मैंने डिनर बना लिया है और अभी जस्ट नहा के आई हूँ। मैं इतनी खतरनाक वाली गर्मी लगती है जब किचन में जाओ, स्पेशली रोटी बनाते टाइम, तो जस्ट नहा के आई हूँ मैं। और आज खाने में बना था, क्या बना था, हाँ पालक वाली दाल बनाई थी मैंने, मसाले वाली। तो मैंने रेसिपी को क्या बोलते हो, अरे हाँ मैंने क्लिप बना रखा है उसका वीडियो, तो मैंने उसका वीडियो बना रखा है पालक वाली दाल का। तो आप लोग देखो कैसे बनाते हैं पालक वाली दाल। मैंने अभी टेस्ट तो नहीं किया बट देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छा बनता है। मतलब मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करी, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग बनाओ या ना बनाओ। मैं नई नई कुक बनी हूँ, मुझे अभी 3 महीने हुए कुक बने हुए, 5 महीने हुए हैं कुक बने हुए। इससे पहले मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी, बट हाँ मम्मी मेरी बहुत अच्छी कुक है, तो शायद मम्मी का कुछ गुण मेरे अंदर भी आ गया, तो मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा कुकिंग कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं, उनके ऑफिस वाले फ्रेंड कहते हैं भाभी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, मैं खुश हो जाती हूँ। और मैंने एक दो बार कुछ बनाया भी है तो लोगों को पसंद आता है, मम्मी के गुण मेरे अंदर आ गए हैं, बना लेती हूँ। मैं मम्मी को देखती थी बनाते हुए, तो मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी गंदा बन जाता है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब मेरा जूनियर आता तो गंदा बना था, वो गंदा बना था, कभी कभी हो जाता है, बट ठीक ठाक बना लेती हूँ, इंसान खा लेता है, थोड़ी बहुत कभी कभी तारीफ भी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसके बाद उसको ऐड कर दूंगी, आप लोग पहले वीडियो देख लो। तब मैंने अपने अकॉर्डिंग चने का दाल लिया है, 3 मुट्ठी चने का दाल लिया है और आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा पालक लिया था, उसको छोटा छोटा काट दिया है और उसमें हल्दी और नमक डाल के और पानी डाल के मैं सीटी लगाऊंगी, 6 से 7 सीटी। और यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने 2 या 3 प्याज कट किया था, 2 टमाटर छोटे छोटे कट किए थे, मिर्चा है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कद्दूकस नहीं कूटा था और धनिया था, और ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा, लाल मिर्च, थोड़ा सा राई और गरम मसाला, और ये है जीरा पाउडर, नमक। इन सारी चीज़ों से मैं अपना दाल फ्राई करूँगी। पहले मैंने तेल लिया, तेल गर्म हुआ तो उसमें मैंने अपना प्याज डाल दिया, प्याज अप्रॉक्सीमेट 3 प्याज था, मीडियम सब्जी प्याज डालने से टेस्ट लगता है, तो प्याज तीन था। और फिर उसमें मैंने मिर्चा कट कर, मेरा मिर्चा तीखा नहीं था तो मैंने तो 3-4 मिर्चा कट 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 करके डाला है। तो मैं आपको भूनूंगी, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा जीरा और राई डाल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एकदम बनाने के जोश में भूल गई थी, फिर प्याज डालते टाइम मैंने ना जीरा और सब्ज़ी तो डाला नहीं है, तो मैंने अभी डाल दिया, साथ में दोनों फ्राई हो जाएगा। ये देखिए प्याज मेरा फ्राई हो रहा है, अब प्याज मेरा फ्राई हो चुका था, इस स्टेज पर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और टमाटर के साथ साथ ही मैं अपने मसाले पे डाल दूँगी और उसको भूनूंगी। हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च डाल के मैं उसको अच्छे से स्लो मोशन है धीरे आँच पे भूनूंगी और नमक भी डाल दिया ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से गल चुका है सारा मसाला भी और टमाटर भी। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी मैं दाल, जो मेरा दाल बॉयल हो चुका था मैं दिखाती हूँ लोगों को, देखिए मैंने डाल दिया दाल। तब इस दाल को डाल के मैंने धनिया डाल दिया, अब इसको एकदम स्लो आंच पे थोड़ा उबाल आने तक पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए मेरी दाल रेडी हो गई है। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 मिनट तक उबाल आने तक ऐसे ही ढक के रख दिया था, जब उबाल आ गया उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। ये देखिए मेरा फाइनल लुक है दाल का। तो कैसा लगा
पालक वाली दाल का रेसिपी आप लोग को। हमारे यूपी साइड में तो ये बहुत खाया जाता है, मतलब जब भी पालक आता है तो मेरे पापा को पालक की सबसे ज़्यादा पसंद पालक वाली दाल है। और अगर पालक आके रखा हुआ है एक दो दिन तक नहीं बना, तो कहेंगे पालक वाली दाल क्यों नहीं बनी है। उनको पालक की सब्जी सिंपल वाली नहीं पसंद है, तो उनके लिए दाल ही बनता है, तो मुझे भी पसंद है। अब तो मुझे सब्जी खा लेती हूँ, वरना पहले तो क्या होता था हमारे घर में कि मेरी मम्मी दो दो तरह का सब्जी बना देती, एक पापा के लिए हरी सब्जी और मेरे और मेरे भाई के लिए आलू की सब्जी। मैं आलू वाली हूँ, मैक्सिमम आलू ही खाती हूँ, बताओ अभी भी खा लेती हूँ। मुझे पालक वाले में आलू पसंद है, भिंडी उतनी खास पसंद नहीं, भिंडी में आलू डाल के खाती हूँ। और क्या पसंद, मेथी नहीं पसंद है, उसमें आलू डाल के खाती हूँ, आलू अलग से खाती हूँ, तो आलू की दीवानी हूँ मैं भी तो इसी। और आप लोगों से कुछ शेयर करना था मुझे, मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। हाथ दर्द होने लगता है मेरा कभी कभी, पता क्या हुआ, एक दिन हम और मेरी ननद पार्क में गए थे, तो पार्क में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो दो एक बच्चा उसका नाम भूल गई, नाम बताया तो उसने भूल गई, तो वो उसकी बहन थी, लड़का आई थिंक फोर्थ में पढ़ता है, थ्री या फोर्थ में पढ़ता, उसकी बहन एलकेजी में, लड़का होगा 7-8 साल का होगा, तो इससे फ्रेंडशिप हुई। तो स्टार्टिंग उसकी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की, उसकी बहन का पैर ना मिट्टी में चला गया था, तो मैंने धुलने में उसकी हेल्प हेल्प की, तो इसने स्टार्टिंग में बोला थैंक यू आंटी। मैंने कहा हाँ आंटी, कितना मतलब मजाक कर रहा हूँ आप, तो मतलब मजाक कर रहा हूँ आप, आंटी थोड़ी लगती है आपको, देख के लगता है आप टेंथ में पढ़ती होंगी, टेंथ में या कॉलेज में पढ़ती होंगी, इसने ऐसा बोला। फिर थोड़ा खेलने वाले के बाद उसको मेरा सिंदूर दिख गया, तो कहता हाँ आपकी तो शादी हो गई है, अब अभी इतनी छोटी है शादी क्यों कर ली है, इतनी पतली है। मुझे खूब हंसी आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी खूब हंस रही थी, अपने हस्बैंड को तो अभी खूब हंस रहे थे, यार इतनी क्या जल्दी थी आपको शादी करने की, शादी क्यों कर ली, अभी तो आप लगता है 10 में पढ़ती होंगी या कॉलेज करती होगी, इतनी छोटी सी उम्र में शादी क्यों कर ली। तब मुझे लगा नहीं मैं छोटी दिखती हूँ, बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि शादी क्यों कर ली, इतनी बच्ची दिखती हो, अच्छी दिखती हो, लेकिन शादी की एज हो गई है और मेरा बर्थडे आने वाला है, उसके बाद मैं 25 की हो जाऊंगी। मैं अपनी उम्र छुपाती नहीं हूँ भाई, लड़की जैसे कि उम्र छुपाओ, उम्र छुपाओ क्या छुपाना, भय तो है। आप लोग कमेंट करके बताना मैं लगती हूँ शादी की उम्र के लायक या नहीं लगती हूँ, अब तो हो चुकी है, कुछ किया नहीं जा सकता। बट हाँ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये था मजा आया बच्चों के साथ, मस्ती हुआ। फिर वो लड़का बहुत अटैच्ड हो गया था अपने दादा, उसके दादा की डेथ हो गई थी, तो पूरी स्टोरी बताने लगा, फिर हम जाने लगे तो कहते कल फिर आइएगा, मैंने कहा बट 2-3 दिन हो गए नहीं जा पाई, मैं एक दिन गई तो लेट हो गया था, 7:30 बजे खेल के चले जाता है, तो मैं लेट हो गई, फिर अभी जा भी नहीं पाती। यहाँ पे ना मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बज रहा है शाम का, 1 मिनट 7 बज रहा है, मैं दिखाती हूँ यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। ये देखो, अरे यार शाम को 7 बजे भी लग रहा है कि अभी बज रहे होंगे 4-5। ये देखो देख के लग रहा है 7 बज रहा है यहाँ पे, ये शाम का मौसम है, तो यहाँ का ये मौसम है, इसलिए मतलब जब मेरे हस्बैंड जाते तो मैं सोचती हूँ चली जाऊँ, बट यार धूप रहती है उस टाइम भी, बताओ 6 बजे हस्बैंड जाते उस टाइम भी धूप रहती है, इसलिए हाँ अभी सही है, लाइट नहीं आ रही प्रॉपर, तो जब हस्बैंड जाते हैं तो उस टाइम भी धूप रहता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, और जब टाइम होता है जाने का तो बच्चे चले जाते हैं, हवा अच्छी आ रही है, तो यही तो, ये तो था आज का मौसम का हाल, अच्छी लग रही है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, ये है रीजन। बोला था यहाँ पे सनसेट थोड़ा लेट में होता है, सच में लेट में होता है, 7 बज गया अभी भी सूरज उगा हुआ है, मतलब डूब रहा है, कलरफुल दिख रहा है मुझे वो, क्या हाल है यहाँ का, हवा बहुत अच्छी, सुबह शाम मेरे टाइम हवा इतनी खतरनाक चलती है ना कि मज़ा आ जाता है। इतनी अच्छी आवाज होगी, और यार वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करके पैसे नहीं लगते हैं, अच्छा लगेगा मुझे, कर दिया करो सब्सक्राइब, क्या बोलूँ मैं, आगे समझ नहीं आ रहा, बस सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं ठीक ठाक कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है लाइक आता है, तो लाइक नहीं आती लोग देखते हैं छोड़ देते हैं, तो लाइक कर दिया करो यार अच्छा लगेगा, प्लीज़ मेरे को लाइक करने में कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते हैं, मुझे भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, तो मेरे को क्या मिलेगा, हटाओ छोड़ो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा मैसेज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, चप्पा खैर, शुभ रात्रि, क्या क्या बोलूँगा, गुड नाइट।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। और देखो यहाँ का इतना मौसम है कि बिना लाइट के मैं इतनी बुरी लग रही हूँ बाहर के उजाले से, खतरनाक है। अभी तक यहाँ अंधेरा नहीं हुआ है, देखते हैं कभी यहाँ अंधेरा होता है। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं तो अपने आप को, इतनी नज़र लगाती रहती हूँ। चलिए बाय बाय।